वेलकम टू हमारी रसोई। आज मैं बना रही हूँ गोभी का पराठा। गोभी का पराठा के लिए यहाँ पे मैंने कॉलीफ्लावर ली थी, फूल गोभी ली है मैंने, जिसे मैंने श्रेड कर लिया है। यहाँ पे 2 कप्स ऑफ मैंने गेहूँ का आटा लिया है, व्हीट फ्लोर, जिसे मैंने नॉर्मल रोटी का आटा जैसे गूंथते हैं वैसे मैंने गूंद लिया है, नमक और ऑयल ऐड करके। यहाँ मैंने फ्राइंग पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, जिसमें हम अब 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, 1 फाइनली चॉप ग्रीन चिली ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली ऐड कर दी, इसे कुछ सेकंड्स के लिए हम सौते करेंगे। अब मैं 250 ग्राम श्रेडेड कॉलीफ्लावर ऐड कर देंगे। इस टाइम पे हमें फ्लेम एकदम स्लो करनी है, क्योंकि हमें अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने हैं। 30 सेकंड्स के लिए हम इसे सौते करेंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। पिंच ऑफ अजवाइन, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली क्रश, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून आमचूर। इन सबको ऐड करके हम 1-2 मिनट के लिए इसे सौते करेंगे। यहाँ पर हमारा गोभी का मिक्सचर रेडी है पराठे बनाने के लिए। अब हम इसे ठंडा करेंगे, उसके बाद इसके पराठे रेडी करेंगे। यहाँ पर हमारे पास पराठे का मिक्सचर रेडी हो गया, इसमें हमने हरा धनिया भी ऐड किया है। अब हम इसके पराठे रेडी करेंगे। यहाँ पर हमारी एक रोटी रेडी हो गई है। अब इसमें मिक्सचर ऐड करेंगे गोभी का। कॉर्नर्स में हम पानी लगाएंगे, ताकि दोनों पराठे अच्छे से चिपक जाएं एक दूसरे से, और इसे दूसरी रोटी के साथ हमें कवर करना है। अब इसे रोलिंग पिन बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, इस वक्त हमें हाथ से ही इसे बड़ा करना है। यहाँ पर हमारा पराठा रेडी है। अब हमसे गरम मैंने तवा कर लिया है, हमसे इसमें रेडी करेंगे। ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारा गोभी का पराठा बिल्कुल रेडी है, इसे हम दही और अनियन रिंग के साथ सर्व करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है, हमने इसे दही और अनियन रिंग के साथ सर्व किया है। अब इसे ज़रूर ट्राई करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डू शेयर रेसिपीज़। अल्लाह हाफिज़।